नहीं, जरूरत पड़ी क्या? हमने आपको अभी जो बैठक में जो आप वहाँ उपस्थित थे तो हमने बताया कि छात्र जो जनशक्ति जो परिषद हमने बनाया इसका जरूरत हमको क्या पड़ा। इसमें जनशक्ति में जरूरत हमको ये पड़ा इसको बनाने का, क्योंकि हमने आपको पहले विस्तार रूप से बता दिया कि बहुत सारे संगठन जो है पूरे देश भर में हैं, जो दल हैं राजनीतिक दल हैं, तो सब सारे राजनीतिक दलों का एक एक पार्ट होता है। तो हमने इसको राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट बनाने का काम किया है, और इस पार्ट के तहत, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे देश भर में नेशनल संगठन है हमारा पार्टी का, तो इसका एक पार्ट जिस तरीके से हमने DSS बनाने का काम किया था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो इसको लेकर के चलने का काम करता है। तो बहुत सारा जैसे समाजवादी पार्टी का भी अलग उनका है, तो उसी तरीके से हमने भी राष्ट्रीय जनता दल का छात्र जनशक्ति परिषद बनाने का काम किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड जो मुद्दा है उसको हम लोग यहाँ पर रखने का काम करेंगे। इसलिए हमने एक कमेटी बनाने का। आपका तो छात्र राजनीति था, ठीक है, वो विवाद छात्र नहीं, विवाद नहीं, छात्र राजनीति चल रहा है अलग तरीके से, छात्र राजनीति अलग तरीके से चल रहा है। आप छात्र ये भी एक चल रहा है नया तरीके से, नए तरीके से, इसलिए आपका ताल्लुक रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। लेकिन छात्र राजद को जिस तरह से खुलकर आपने एक तरह से काम करने की सहूलियत दी थी उसमें तो कई विवाद पैदा हुए, कई लोग उसमें उन्होंने टांग अड़ाया। अब क्या लगता है ये जो संगठन ने तैयार किया है इसमें किसी तरह से कोई लोग आगे, इसमें कौन टांग अड़ाएगा? तो हम लोगों ने इसको रजिस्टर कराया है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, बबलू जी हैं, तमाम लोग कमेटी के सदस्य हैं, पद पे हैं, तमाम लोग हैं, तो ये तो हम लोग अपने तरीके से उसको देखने का काम करेंगे। और वो पार्टी का एक पार्ट है, ये पार्टी का हमने पार्ट है, हमने क्या बताया कि पोस्टर जब लगता है तो नीचे से बांस बल्ला हम लोग लगाते हैं सपोर्ट के लिए, तो हम संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसका बैकबोन होता है, तो ये एक तरीके का बैकबोन का काम करेगा। जो हमने मुद्दाएं बता दिया वो मुद्दा पे केवल हम बात करेंगे, जो पिताजी की जो हमारी मुद्दा है सामाजिक न्याय का, वही हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होगी इसमें, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, लीडरशिप बढ़ाएंगे इसको। हमसे जो जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ करके आप अलग अलग दल में जा सकते हैं, छात्र जनता प्रमोट करने का काम करेंगे, उनको टिकट दिलवाने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। जनशक्ति परिषद का जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा पार्टी कार्यक्रम होगा, क्योंकि वो तो उसके लिए बेस के लिए, जिसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए है। ये ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे जो भी जो उसके सदस्य जैसे हम लोग जो बनाएंगे, वो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बैठक का शुरुआत किया, तो यहाँ भी बैठक होगा, वहाँ भी बैठक होगा, ऐसी बात नहीं है। तो पार्टी कार्यक्रम होगा, क्यों नहीं होगा बैठक? कोई लक्ष्य रखा है आपने, कितने लोगों को मेंबर बनाएंगे पूरे बिहार में, कितने लोग मेंबर बनाएंगे, सदस्यों की संख्या कितनी? पूरे तरीके से जो संचालन जो पूरे तरीके से होगा, इसमें कई एक तरीके का जो हमने कहा कि आपको जिसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बहुत सारे लोग, तो उसको विस्तार रूप से ये बहुत समाधि पार्टी नेताओं का आशीर्वाद लेंगे, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लेंगे, इसके लिए सहयोग लेंगे, आपकी राजद में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद और सहयोग लेंगे इस संगठन के विस्तार का आशीर्वाद है। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? हमारे पिता का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, माता पिता का अगर पुत्र को आशीर्वाद है तो और लोगों से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? संगठन है जो RJD को मजबूत करेगा, RJD को पूरे तरीके से मजबूत करेगा अंदर से। ये संगठन हमने बनाने का काम किया, छात्र जनशक्ति परिषद, बाकी उसको विस्तार रूप से हमारे प्रवक्ता है ये बताने के बाद काम करेंगे आप किस तरीके से संचालन करेंगे और कैसे इसको हम लोग मेंबर बनाने का काम करेंगे, सदस्य अभियान चलाने का काम करेंगे और इसको जोड़ने का काम।